अस्सलाम स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे यही मुझसे पूछ रहे हैं कि सर 2024 की अटैम्प्ट तो अब हम नहीं दे रहे, 2025 का बताएं कि उसको हमने स्टार्ट कहाँ से देना है। सबसे पहले तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि अगर हमने 2025 के अटैम्प्ट में जाना है तो यू हैव वन कंप्लीट ईयर। सही है। अब इस एक पूरे साल के अंदर आपको कैसे अपनी तैयारी को लेकर चलना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो कि इसके अंदर एक स्क्रीनिंग भी शामिल है। अब बहुत ज्यादा बच्चे गलती ये करते हैं कि वो स्क्रीनिंग की वजह से परेशान रहते हैं और वो इस पर टाइम एलोकेट करते हैं अपना। सही है, वो ये समझते हैं कि जी स्क्रीनिंग कोई ऐसी हवा चीज है जिसको हम प्रिपेयर करेंगे, क्लियर करेंगे तो हम आगे जाएंगे। बेटा इसमें पासिंग इज 66 200 में से, और स्क्रीनिंग इसकी बनाई ऐसी गई है कि अगर कोई सीरियस सीएसएस एस्पिरेंट और वो तैयारी कर रहा है तो बेटा ये खुद ही क्लियर हो जाएगा आपका, आपको कहीं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अच्छा, पूरा एक साल होता है तो इस पूरे एक साल में हम सिर्फ सीएसएस स्पेसिफिक नहीं होते, हम आने वाले तमाम वन पेपर भी देंगे इसमें। ठीक है, जिस तरीके से मैंने अपना सीएसएस देता जा रहा था, साथ साथ अपने वन पेपर भी आप देते रहो, 7-8 जितने भी आएंगे, और कभी भी उसकी तैयारी अलग से ना करो। सही है, जो तुम मैगजीन्स पढ़ोगे सीएसएस के लिए, जो तुम किताब पढ़ोगे, ये सब मटेरियल उसी में से होता है। सो हमेशा शूट फॉर द मून, यानी एम गोल आपका सीएसएस होगा, तैयारी आप इसकी करते रहोगे और बीच में जो छोटे छोटे एग्जाम्स आते रहेंगे वो आप खुद ही क्रैक कर लोगे। ठीक है, पहली तो ये चीज हो गई। अच्छा, टाइम एलोकेशन के ऊपर काफी ज्यादा एस्पिरेंट परेशान रहते हैं कि जी ये टाइम एलोकेशन का चक्कर क्या है। आपने जो टाइम देना है वो इनिशियली आपने कोशिश करनी है कि यार 6 घंटे देने हैं सीएसएस को, 6 घंटे ऑन डेली बेसिस। अब वो कैसे हो सकते हैं, 2 घंटे सुबह दे दें, 2 रात में दे दें, या अपने हिसाब से 2 शाम में, अपने हिसाब से आपने 2-2 घंटे में तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि 18 घंटे पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा सिर्फ 1 या 2 दिन हो सकता है कि आपने 18 घंटे तैयारी की है, अगले दिन फिर आपका दिल ही नहीं चाहेगा। तो बेटा अपने आप को जो है ना स्पेसिफिकली टाइम को तोड़ के पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है कि सर सब्जेक्ट्स कौन कौन से रखने हैं। देखें वो तो 6 उन्होंने कांस्टेंट किए हैं, उसमें तो आपका कोई इख्तियार ही नहीं है ना, लेकिन जो रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके अंदर आपने 2 चीजों को मद्देनजर रखना है। एक आपकी डिग्री, आप अपनी डिग्री के हिसाब से भी देख लें, और दूसरा ट्रेंड भी देख लें। ट्रेंड इन अ सेंस के देखो, जो इंजीनियरिंग या डॉक्टर बैकग्राउंड के होते हैं वो ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं ले पाते, जैसे आप जेंडर स्टडीज रख सकते हो। जेंडर स्टडीज ना एक सेफ साइड का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें सप्ली नहीं देखी है मैंने, यूएसए हिस्ट्री हो गया, ये कोई भी इंजीनियर डॉक्टर सब लेते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी हो गया, ये बड़ा चला हुआ सब्जेक्ट है, ये हर कोई ले रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आईआर हो गया, या पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आप ये वाले सब्जेक्ट्स ले सकते हो। अगर आपकी डिग्री के हिसाब से चलो तो एनवायरमेंटल साइंसेज आ जाता है, इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगी वो। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टाउन प्लानिंग वाला पार्ट। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैंने कौन से 6 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है, और फिर उस पर स्पेसिफिक होके चलना। जो 6 सब्जेक्ट्स तुम सिलेक्ट करोगे तो उस पर स्पेसिफिक होके चलना है आपने। ठीक है, अच्छा अब सिलसिला ये आता है कि सर क्या हम शुरू साल से एकेडमी ज्वाइन कर लें, या बगैर एकेडमी के हमारा गुजारा हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग इन लिटिल बिट डिटेल ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली पर्पस क्या होता है। ठीक है, एकेडमी, टीचर, मेंटो, ग्रुप। बेटा अगर मैं वन वर्ड में इसको समराइज करूँ ना तो इसका होता है सिर्फ गाइडेंस। बस ये सब आपको गाइड करते हैं, जैसे आपको बताया जाएगा कि कौन सी बुक का कौन सा पेज नंबर पढ़ना है। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कोटेशंस को यूज करना है आपने। ठीक है,
आपको बताया जाएगा कि कौन सी स्टेज में किस लेवल पे आपने कौन सा मैगजीन पढ़ना है। सो एकेडमी मेंटोर वगैरह आपको सीएसएस करवाते नहीं है, वो आपको सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। जैसे मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझसे पूछे सर क्या करना है, मैं उसको बता दूंगा कि जी पाकिस्तान यूएसए जो है वो आ जाएगा पेपर में, ये डायमेंशन कर लें, राइट। इसी तरीके से जो बच्चे खुद से करते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा एक मसला आता है कंसिस्टेंसी का, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। दूसरा उनके साथ जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि हाउ मच, टॉपिक को कवर तो करना है लेकिन कितना करना है, किस डायमेंशन में करना है। अब वो इस पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं कि यार ये भी कर लिया वो भी कर लिया, अब क्या करें। अब वो फिर हेल्प ढूंढते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं इस पॉइंट पे स्टक होने के बाद, वापसी जाते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब से जाके देखा तो 10 लोगों ने अलग अलग बातें बताना शुरू की, वो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और अगेन बैक टू जीरो, और फिर उसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस लाजमी चाहिए होती है बेटा। अगर आपने एकेडमी लेनी है नहीं लेनी, मेंटोर रखना है नहीं रखना है, इट्स अप टू यू, बट वो चीज फिर एक बैरियर आएगा आपके पास, ये चीज जो है वो लाजमी आपके पास आएगी आगे जाके, ठीक है। अच्छा, सोर्सेज हमेशा कम से कम रखनी चाहिए आपको, सोर्सेस जितनी कम होंगी उतना अच्छा है। सोर्सेस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे आसान ये है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स जो है, पूरा लिख देता हूँ मैं ताकि जिनको मंगवाना हो मंगवा लेंगे। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की ना बेटा एक एक बुक हर सब्जेक्ट की मंगवा लो, ठीक है। वन बुक फॉर ईच, अच्छा कंप्लीट बुक मंगवाना। इनकी ना 20 क्वेश्चन की सीरीज आती है, वो मत मंगवाना। इसमें जैसे लेट सपोज आपने उसकी मंगवा ली, इस्लामियात की बुक मंगवा ली, तो वो कंप्लीट बुक होगी पूरी, तो एक बुक इनकी होगी और बाकी आप गुजारा करोगे किसे, पीडीएफ से, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो कि एक बुक आपने हर जहांगीर वर्ल्ड टाइम की आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, जब ये किताब आ गई तो उसके बाद आपने इसके साथ एक रिसोर्स में बताता हूँ कि जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का एक मैगजीन आता है बेटा, जो बच्चे पीडीएफ पढ़ सकते हैं वो पीडीएफ में अपने पास उसको करवा लें, और जो बच्चे हार्ड कॉपी में वो हार्ड कॉपी में करवा लें। मैं जब तक पढ़ता तो ये 450 रुपए का पर मंथ आता था। अब मेरा नहीं ख्याल के 450 कोई बहुत बड़ी अमाउंट है जो आप मंथली नहीं दे सकते, तो आप इसको मंथली पे सब्सक्राइब करवा लें। उसके साथ नियर पेयर का मैगजीन आता है, ये इजीली फ्री होता है, ठीक है। एचएसएम ग्लोबल आता है, ये फ्री होता है। ये सारे सीएसएस रिलेटेड मैगजीन्स होते हैं, ये फ्री है, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको कि जी आपने किताब भी लेनी है आपने ये भी पढ़ना है, तो देखो इसके पीछे की लॉजिक क्या है। लेट सपोज आपने करप्शन का एक टॉपिक है वो आपने पाक अफेयर में तैयार किया, ठीक है। जाहिर है आपने बुक से पढ़ा, आपने करप्शन को कंप्लीट कर लिया। अब यू वॉन्ट वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन आपको कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी मैगजीन से। अब आप मैगजीन पढ़ते गए तो आपको पता चला जी करप्शन इंडेक्स जो है वो 2024 की अपडेटेड आ गई, लेट सपोज, तो आप क्या करोगे बेटा, आपने जो करप्शन तैयार किया होगा वो उसमें जाके आप एड ऑन कर दोगे, सही है। आप यहाँ पे पढ़ोगे आपको कोई कोटेशन मिली रिलेटेड टू करप्शन, या कोई नई हैपनिंग मिली वो आपने अपने इस नोट्स में ऐड कर दी। नियर पेयर पढ़ा, एचएसएम ग्लोबल पढ़ा, तो चीजें उठा उठा के आप इसमें एड ऑन करते रहेंगे, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हमने पढ़ना होता है कि मैगजीन्स लेकर चलना है और जो किताब एक है उसी को आपने लेकर चलना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये आते हैं कि सर हम रोज सुबह डॉन पढ़ें तो डॉन नहीं पढ़ें। आप लोग इस लेवल के ऊपर ना डॉन पढ़ेंगे, ना फॉरेन अफेयर्स मैगजीन पढ़ेंगे, ना इकोनॉमिक्स पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आप। मैं बताता हूँ कि आपका जो सिलसिला होगा ना वो किस तरीके से होगा। आज आपके पास है 20th फेब है, ठीक है। अब ये फरवरी के महीने में एग्जाम होगा अगले साल इंशाल्लाह, तो आपने अपने पास फरवरी का महीना रखना है कि भाई ये मेरी डेडलाइन है, मतलब पूरा एक साल है आपके पास।
इस एक साल के अंदर आपको तैयारी इस तरीके से लेकर चलनी है। देखो, ऐसे सीखना होता है, मैं साफ बता रहा हूं, ऐसे अगर तुम रट्टे से चलाओगे कभी भी नहीं होगा। प्रेसी 50-50 का गेम है, 50% इसमें चीजें रट्टा है, बाकी 50 इसमें सीखने वाली हैं। इस्लामियात आपके पास जो है लर्निंग वाला बेटा, क्योंकि मैं क्या ही बताऊंगा इसके अंदर, आपको कुछ भी नहीं मैं ऐड ऑन करवा सकता इसके अंदर। जितना आपको पता है वही किताबें हैं, वही आपका इस्लाम है सारा, सही है। उसके बाद आ गया GSA, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये उनको बेनिफिट दे के जाते हैं जिनकी डिग्रीज होती हैं, यानी इस पर्टिकुलर में ये आप खुद से घर पे कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स लिखने के बाद ना मार्क करवा देता हूँ कौन से आप घर पे स्टार्ट कर सकते हो। CA करंट अफेयर, 6 पाक अफेयर्स, उसके बाद IR और पोल साइंस को कैसे लेकर चलना होगा, जेंडर, USA। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स का बता रहा हूँ, बाकी इसके अंदर फिर आप समझ सकते हो कि कैसे हम ऐड कर लेंगे इसमें। यही वाली जो है टेक्निक आप इस पर अप्लाई कर देंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, और कौन सा रह गया इसके अंदर, IR, जेंडर, USA, पवेट, ठीक है। ओके जनाब, अब ऐसे जब आप स्टार्ट करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे को प्रायोरिटी दे के चलें, लेकिन ऐसे ऐसी चीज है कि आपको ये सीखना पड़ेगा, ये आप खुद से घर पे नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे पे क्रॉस लगा देंगे। अब आपके पास पीछे ये एक सब्जेक्ट हो गया कम, ठीक है। अच्छा, प्रेसी वाला जो पोर्शन है जिसमें मैंने लिखा है 50-50, तो इसका जो 50% है मतलब वो रॉट लर्निंग है, जो कि मैं कई दफा पहले भी बता चुका हूँ, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बता देता कौन कौन सा। पेयर ऑफ वर्ड्स 10 नंबर, प्रॉपर रट्टा, MCQs 20 मार्क्स प्रॉपर रट्टा, इसी तरीके से प्रिपोजिशंस, ईडियम्स, पंक्चुएशंस, बेटा इनमें कोई स्किल नहीं है, ठीक है। ये भी 8-10 नंबर के जो आपके बनेंगे, सही है। इसके अंदर आपने कोई भी चीज सीखनी नहीं, ये मोस्टली रट्टे से हो जाएगा। इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट आता है इस्लामियात, यानी प्रेसी घर पे स्टार्ट कर सकते हो, इस्लामियात घर पे हो सकती है। इस्लामियात का सबसे आसान तरीका है, 2016 से लेकर 2023 स्पेशल तक के पेपर देखे जाएं, उसमें से एरियाज आइडेंटिफाई करें और उनकी तैयारी शुरू कर दें। मतलब वही है बेटा, नमाज, रोजा, जकात, हज, उसके बाद इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इस्लाम में जस्टिस, सिविल सर्वेंट, अकाउंटेबिलिटी, यही टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अभी कैसे होंगे, आपने इनके नोट्स बना लेने, किताब से पढ़ लेना। तो इस्लामियात भी आप अभी आज से शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया जर्नल साइंस एंड एबिलिटी। जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर जो मैथ्स का पोर्शन है, ये टफ होता है जिनकी मैथ्स नहीं होती उनके लिए। तो आपने मैथ्स के, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी, एक आपके पास नोवा के नोट्स अवेलेबल होंगे, मेरे पास भी अवेलेबल है, इसके अंदर कंप्लीट सॉल्व होता है। दूसरा सर साबिर का एक चैनल है यूट्यूब पे, सर साबिर यूट्यूब, और भी बहुत सारे पास पेपर सॉल्व हुए मैं ना। तो अगर आपको मैथ्स का 40 नंबर निकालना है ना, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। एंड सेम गोज फॉर साइंस स्टूडेंट। अच्छा, साइंस वालों के लिए क्या है बेटा, रट्टा है, टोटली रट्टा है। अब इसके अंदर क्या आता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट आता है, आई का स्ट्रक्चर आता है, सेल्स आते हैं, इसी तरीके से आपके पास प्लांट्स की इंफॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर होता है, ये सब कुछ का एक ही सोल्यूशन है, वो मियाँ शफीक की बुक है, ब्लू वाली जो बुक है ना मियाँ शफीक की। आपने इसको लेकर सॉल्व करना है और इसको पढ़ने बैठना है। अगेन, GSA भी आप खुद कर सकते हो, यू डोंट नीड एनी मेंटोर फॉर दिस। कि आप स्पेसिफिकली जी एक टीचर या एक एकेडमी हायर करो या एकेडमी में जाओ और सिर्फ आप GSA पढ़ रहे हो, नो। GSA वाहिद वो है जो कि आप खुद घर पे बैठे हैं, आपने नोट्स अपने निकालने हैं और इसको शुरू कर लें पढ़ना, आप घर पे स्टार्ट कर दें इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद करंट अफेयर और पाक अफेयर आ गया। करंट अफेयर और पाक अफेयर को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसको एंड में किया जाए, लेकिन एंड में भी ऐसे कि
कि आपको इसके बेसिक्स पहले पता हो। अच्छा, बेसिक्स कैसे आपको पता होने चाहिए इसके, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक दिन पढ़ा जी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है, गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट होती क्या है, बनती कैसे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कि पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट है, इसी तरह से व्हाट इज रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है, ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या होता है, रशिया की पॉलिसीज क्यों इतनी डिफरेंट है, ये बर्लिन वॉल क्या चीज थी, ठीक है, विंस्टन चर्चिल का क्या किरदार रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होंगे तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आपके लिए आसानियां होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं पे भी हिटलर का जिक्र आता है, जब तक तुमने हिटलर को पढ़ा हुआ ही नहीं होगा तो तुम इसको नहीं बता सकते। तो हमने ये सारी छोटी छोटी टर्म्स पहले पढ़नी है, उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स को सॉल्व करें। हायर एंड पॉलिटिकल साइंस को सॉल्व करने के लिए इसके पास पेपर्स ले लें, एक रिकमेंडेड बुक लोकल ऑथर की पकड़ लें, और आप आईआर को भी इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, इसकी यूट्यूब पे वीडियोस भी मौजूद हैं, ये भी हो जाएगा। जेंडर एक पैट सब्जेक्ट कहलाता है, इसमें सिर्फ आपके पास हार्डली शायद एक हफ्ता लगेगा आपको जेंडर स्टडीज मुकम्मल करने में। बच्चों सबसे आसान है कि आपने सिलेबस अपने सामने रखना है। व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी तो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे सारे सिलेबस के, ना सारे सिलेबस को अपने सामने रख लो, ठीक है, और सारे सिलेबस को रखने के बाद उसके ऊपर आपने हाईलाइट लगाते जाना है। जैसे अगर आपने इस्लामियात खोला तो जी इबादत का सेक्शन हो गया, उसके बाद सीरा का सेक्शन आ गया, उसमें उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम का आ गया। अब आप क्या करो, पूरे को पढ़ो और उसको आप ऐसे ऐसे कट करते जाओ कि हाँ यार ये चीज मैंने कर ली है। तो जब तुम्हारे सामने तुम्हारा गोल होता है ना लाइफ का, तुम्हें पता होता है कि यार ये मेरा रास्ता है, ये मेरा सिलेबस है, तो फिर तुम आराम से कर जाते हो चीजें। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस यही कि ना हम सिलेबस देखते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं कि एक बंदा आ गया जी क्वालिफायर, उसने कहा जी 3 महीने में कर लिया मैंने। इट्स इम्पॉसिबल टू टू क्वालिफाई सीएसएस इन 3 मंथ्स, इतनी सारी चीजें। अच्छा, और